हाय गाइज, यह विक्टोरिया महल के अंदर का दृश्य जो दिखाई दे रहा है आप लोग को, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है। आपको मैं इस वीडियो में आगे ले जाना चाहूँगा। ये दरवाजे से देखिए अंदर की ओर मैं जा रहा हूँ, जो एग्जिट लिखा हुआ है, हमें बाहर नहीं होना है। मैं आपको इस बगल से जो सीढ़ी गई है, इसके द्वारा मैं ऊपर जो म्यूजियम स्थित है ऊपरी मंजिला पर, वहाँ पर मैं ले जाना चाहूँगा। यह देखिए, इस सीढ़ी के द्वारा अब जाते हुए साथ में मैं, ये देखिए, मैं आपको इस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर वाली म्यूजियम की ओर ले जा रहा हूँ। मेरे साथ बने रहिएगा। ऊपर मंजिला पर जाते ही मैं आपको इस म्यूजियम का जो बाहरी हिस्सा है, पीछे का हिस्सा, वो आप दिखाऊंगा। ये देखिए, ये म्यूजियम से पहले ऊपरी मंजिला पर बाहरी दृश्य कितना मनोरम दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। देखिए व्यवस्थित रूप से अगल बगल बहुमंजिला इमारतें हैं जो काफ़ी अच्छे ढंग से व्यवस्थित हुए और इसको चार चांद लगा रही हैं इस दृश्य को। ये अंदर का दृश्य जो म्यूजियम है, बालकनी से देखिए ये दिखाई दे रहा है नीचे का दृश्य। अब ये बगल में जस्ट जो म्यूजियम है उधर हम जाएंगे, आपको दिखाऊंगा मैं। ये देखिए, ये अंदर, यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में, उनके जीवनी, उनका परिचय, उन्होंने क्या किया नहीं किया, उसके बारे में बहुत डिटेल से यहाँ पर बताया गया है और सुसज्जित, उनकी जीवनी को सुसज्जित रखा गया, सुरक्षित रखा गया है। ये देखिए, हमारे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी यहाँ पर एक कुछ लेख लिखा गया है। इसी तरह अन्य नेताओं के बारे में भी, जो हमारे महापुरुष हुए हैं क्रांतिकारी, वो सबका जीवनी हम सहेजने का प्रयास इस पश्चिम बंगाल सरकार ने किया इस म्यूजियम में। आपको दिखाना चाहेंगे कुछ उस समय के हैंड राइटिंग के कटिंग्स हैं जो सहेजा गया है यहाँ पर। और देखिए, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे रहा हो हमारे ये क्रांतिकारी महापुरुष, उनके चित्र। ये कूलर बड़े बड़े लगाए गए हैं ताकि जो भी व्यवस्थित, जो यहाँ पर संरक्षित किया गया है, वो सब सुरक्षित रह सके। एक टेम्परेचर पर सुरक्षित रखा गया है। ये कुछ उस समय के न्यूज़पेपर जिसके कटिंग्स यहाँ पर सहेजा गया है, हमारे महापुरुषों के लेख हैं, जैसे वंदे मातरम, ये भी एक उस समय के पेपर थे जिसको सहेजा गया है। साथ ही में कुछ कटिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट कटिंग्स जो रखा गया, कुछ चित्र हैं जो हमारे क्रांतिकारी नेताओं के, महापुरुषों के, वो सहेजा गया है इस म्यूजियम में। आप बने रहिए मेरे साथ, कुछ और आपको दिखाना चाहूँगा मैं। ये देखिए, उस समय अंग्रेजी शासनकाल, जब अंग्रेजों गुलाम थे हम, तो उस समय जो अंग्रेजों के द्वारा कार पिस्तल है, कारतूस है, जो यूज किए जाते थे, वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सहेजा गया। आप देखिए, ये अलग अलग तरीके के हैं, इसमें कारतूस हैं, ये गन है, आप देखिए, राइफल है, एक प्रदर्शनी में रखा गया है। विभिन्न प्रकार के कारतूस है, रिवाल्वर हैं, ये देखिए, अलग अलग प्रकार के रिवाल्वर हैं जो सहेजा गया है यहाँ पे। ये देखिए रिवाल्वर, ये भी रिवाल्वर, ये भी रिवाल्वर, और साथ में इसके जो कारतूस है, उस रिवाल्वर के साथ जो जो कारतूस प्रयोग किए गए हैं, वो कारतूस रखे गए हैं इस रिवाल्वर के साथ। ये उसी तरह अन्य रिवाल्वर के साथ, ये अलग कारतूस जो उस रिवाल्वर में यूज होता था, वो सब आपको सामने रखा गया है, उस रिवाल्वर के सामने ही, जो काफ़ी अच्छे तरीके से संरक्षित हैं इस म्यूजियम में। ये बम है, उस समय का ये बम जो बनाया गया होगा, पहला बम जो हमारे स्वदेशी निर्माण, और ये उसे गन पाउडर है जो आपको दिखाई देंगे आगे। ये देखिए गन पाउडर, ये गन पाउडर उस समय का, काफ़ी अच्छी चीज़ है जो हमारे क्रांति